आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी हॉलीवुड मूवीज जिन्होंने ऑस्कर जीता है क्योंकि उनमें कुछ खास बात है। हर मूवी में क्या खास है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ हमारी पहली फिल्म एक ड्रामा फिल्म है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ली चैंडलर नाम के एक आदमी की, जो एकदम लोनली सा रहता है और बॉस्टन के एक अपार्टमेंट में हैंडीमैन का काम करता है। सर्दियों के मौसम में ली को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका भाई जो चैंडलर गुजर गया है। इस वजह से ली को वापस अपने होम टाउन जाना पड़ता है, जहां जाने के बाद उसे यह भी पता चलता है कि मरने से पहले जो ने अपने बेटे पैट्रिक का गार्डियन ली को असाइन किया था। अब ली जो खुद का ख्याल इतना ठीक से नहीं रखता, वो भला अपने 16 साल के भतीजे का ख्याल कैसे रखेगा, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Whatever you decide, he can always stay with us if he wants to come up weekends. Do you want to be his guardian? Well, he doesn't want to be my guardian. For Christ's sake, got a house full. We're trying to lose some kids at this point. Movie का नाम है Manchester by the Sea। ये 2016 की फिल्म है। ये मूवी एक मस्ट वॉच फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि मूवी देखते वक्त आप कई बार रो दोगे और मूवी के एक कैरेक्टर से दिल से कनेक्ट करोगे। मैं तो ये मूवी देखते वक्त ऐसे करके रो रहा था। अभी आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन आप मूवी देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ये मूवी आपको कई बार हंसाएगी भी। ओवरऑल ये एक फील गुड मूवी है। मूवी का एक सीन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, जिसमें लीड कैरेक्टर पुलिस स्टेशन में होता है और वो एक पुलिस की गन छीन कर कुछ तो करता है। मुझे आपको वो सीन दिखाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो सीन YouTube की पॉलिसीज के खिलाफ है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। आप मूवी में देख लेना। ओवरऑल मूवी अच्छी है, लेकिन उस सीन की वजह से इस मूवी ने ऑस्कर जीता। मैं इस मूवी को देता हूँ 10/10 की रेटिंग। जरूर देखना ये मूवी। आपको ये मूवी देखने के बाद ऐसा लगेगा, यार ये जो फीलिंग्स और इमोशंस आए हैं मेरे में इस मूवी को देखने की वजह से, मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। ये मूवी देखने के बाद आपका दूसरा कुछ भी कंटेंट, मूवी या सोशल मीडिया देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा इस मूवी से जो बढ़िया फीलिंग्स मिली है ये मुझे बहुत देर तक साथ में रखनी है, अपने दिल में रखनी है। जैसे हम मैगी या फिर कुछ टेस्टी खाने के बाद उस पे पानी नहीं पीते ताकि उसका टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देर तक आपकी जबान पर रहे, आपके मुंह में रहे, सेम वैसे ही इस मूवी की बात है। हमारी दूसरी फिल्म एक वेस्टर्न क्राइम फिल्म है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1920s के ओक्लाहोमा की, जिसमें रहने वाली ओसेज इंडियन ट्राइब के हाथ तेल लगता है। तेल यानी कि पेट्रोलियम, डीजल वगैरह। तेल हाथ लगने के बाद सालों ही सालों में वो ट्राइब अमीर बन जाती है, लेकिन तभी कुछ नेटिव अमेरिकन्स की बुरी नजर उन पे पड़ती है और वो उन्हें लूटने के लिए एक साजिश करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कैसे अर्नेस्ट नाम का आदमी मॉली नाम की औरत से मिलता है और फिर उनके बीच पहले तो केमिस्ट्री होती है, लेकिन फिर उसके बाद फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ हो जाता है। अब आगे क्या होगा और FBI को उस टाउन में क्यों आना पड़ता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ये 2023 की फिल्म है, डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, अब ये क्यों कहते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। मूवी आपको कुछ जगहों पर स्लो पेस लग सकती है, लेकिन ये मूवी देखने के बाद आप मीठा बहुत सोच समझ कर खाओगे, क्योंकि मूवी से आपको पता चलेगा कि डायबिटीज कितना खतरनाक होता है। मूवी देखने के बाद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, तो जो है सो है। मैं इस मूवी को दूंगा 6.5/10 की रेटिंग। हमारी तीसरी फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है रिगन थॉम्सन नाम के एक एक्टर की, जो 20 साल पहले बर्डमैन नाम के एक कॉमिक बुक सुपर हीरो पर बनी फिल्म के लिए फेमस हो गया था। बर्डमैन के दो सीक्वल्स भी आए थे जो बहुत अच्छे से चले थे, लेकिन अब 20 साल बाद लोग बर्डमैन को जानते हैं, लेकिन रिगन थॉम्सन को भूल गए हैं। अपना ये हाथ से जाता हुआ फेम देखने के बाद रिगन एक नई फिल्म बनाने का प्लान करता है, जिसका वो खुद राइटर होगा, डायरेक्टर भी होगा, प्रोड्यूसर भी होगा और लीड एक्टर भी वो ही होगा। जैसे कि खुद ही बैटिंग करेगा, खुद ही बॉलिंग करेगा, खुद ही फील्डिंग करेगा और अंपायर आउट भी खुद ही देगा। रिगन इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और यह उसका ब्रॉडवे डेब्यू होगा, लेकिन जैसे जैसे फिल्म का पहला शो पास आने लगता है रिगन को कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't. मूवी का नाम है बर्डमैन। ये 2014 की फिल्म है। अगर आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये मस्ट वॉच फिल्म है। आपको इस मूवी में कुछ एक्टर्स के फेनोमिनल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। मूवी के एक सीन में माइकल कीटन एडवर्ड नॉर्टन से एक बहुत ही डीप बात कह देते हैं, जो हम ऑडियंस मान भी लेते हैं और महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर माइकल कीटन ही एडवर्ड नॉर्टन से कहते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे थे। क्या सीन था वो। पूरी मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मूवी के कुछ सीन्स काफी अच्छे हैं और एक्टर्स के लिए तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। मैं इस मूवी को दूंगा 6.5/10 की रेटिंग। हमारी चौथी फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। इस मूवी की बहुत हाइप हो गई थी और आप में से बहुत लोगों ने यह फिल्म ऑलरेडी देखी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए बता दूं,
मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर टू के समय की, जब अमेरिका को पता चलता है कि जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली क्रूज जूनियर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को एक सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं। ओपेनहाइमर और कुछ साइंटिस्ट की टीम मिलकर कई साल लगा देते हैं पहला एटम बॉम्ब बनाने के लिए, और उनकी इस मेहनत को आखिर में फल मिलता है 16 जुलाई 1945 को, जब पूरी दुनिया पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देखती है जो हमेशा के लिए इतिहास को बदल देता है। मूवी का नाम है ओपेनहाइमर। ये 2023 की फिल्म है, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन। मुझे फिजिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। स्कूल में साइंस मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, अभी भी है। पीरियोडिक टेबल तो मेरा पूरा मेमोरीज था, सब एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह। और अल्बर्ट आइंस्टाइन पर मैंने कई सारी किताबें भी पढ़ी थी जो मेरे लिए काफी मोटिवेशनल थी, और इसलिए ये मूवी मेरे लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस थी। लेकिन कुछ लोगों को ये मूवी देखने के बाद बुरा फील हुआ था, क्योंकि इस मूवी के एंड में जो होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से। उस चीज से तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मूवी का साइंस वाला पार्ट मुझे काफी पसंद आया। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताना आपकी क्या राय है। मैं इस मूवी को दूंगा 9/10 की रेटिंग। हमारी पांचवी फिल्म एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है सैंड्रा नाम की लेखिका की, जो अपने म्यूजिशियन पति सैमुअल और उनके 11 साल के अंधे बच्चे डैनियल के साथ शहर के शोरों आवाजों से दूर बर्फीली पहाड़ियों में एक घर में रह रहे होते हैं। वो इसलिए ताकि सैंड्रा अपनी राइटिंग पे फोकस कर सके और सैमुअल अपने म्यूजिक पर। लेकिन एक दिन जब सैंड्रा घर आती है तो उसे सैमुअल की लाश मिलती है। जब पुलिस आके तहकीकात करती है तो लगता है कि सुसाइड है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो पुलिस को सैंड्रा पे शक आने लगता है। अब आखिरकार मिस्ट्री क्या है और उनके 11 साल के अंधे बच्चे पे उसका क्या असर होता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 7.7/10 की IMDb रेटिंग मिली है। मूवी का नाम है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। ये 2023 की फिल्म है। मैं रिकमेंड करूंगा ये मूवी आप मत देखना। पूरी मूवी थोड़ी बोरिंग है, बस मूवी का एक सीन है जो काफी ज्यादा अच्छा है, और उसी सीन की वजह से इस मूवी को ऑस्कर मिला। मैंने इस मूवी पर ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको पूरा सीन दिखाया था, बस वो वाली वीडियो जाकर देख लेना। उस वीडियो से आपको आइडिया आ जाएगी कि ये मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं, और आपको पूरा ऑस्कर विनिंग सीन भी देखने को मिल जाएगा, तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे। जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था, फिर से कहूंगा, मैं इस पूरी मूवी को देता हूँ 3/10 की रेटिंग, लेकिन मूवी के उस ऑस्कर विनिंग सीन को मैं देता हूँ 10/10 की रेटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।